नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर मोतिहारी जिले से है। नए नए जदयू में आकर कुर्सी पर काबिज हुए उपेंद्र कुशवाहा ने भी यूपी के योगी सरकार द्वारा लगाए गए जनसंख्या नियंत्रण कानून को समर्थन दिया है। साथ ही सुशासन राज में पुलिस के कार्यशैली पर कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है उस बात पर भी हामी भरते हुए कुशवाहा ने दबी जुबान से एक तरफ कोर्ट के बातों को भी समर्थन दिया तो दूसरी ओर सुशासन की भी सराहना की। आपको बता दें कि पिछले दो दिनों से जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा बिहार में यात्रा कर रहे हैं। इसी दरमियान वे कल मोतिहारी पहुंचे, जहां वे कल वैसे लोगों के परिवार से मिले जिनके लोग कोरोना महामारी में गुजर गए हैं। फिर अपने कार्यकर्ताओं के साथ सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का जायजा लिया और फिर आज वे शहर के अतिथि गृह में मीडिया से मुखातिब हुए। उपेंद्र कुशवाहा पहले सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को मीडिया के सामने रखा, साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आम जनता के सामने जो कोरोना के चलते, कहीं बाढ़ के चलते, कहीं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के चलते परेशानी है, जिन परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने खुद ही पहल की है। कोरोना से जो पीड़ित हैं, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिजनों को आपदा विशेष आपदा मानते हुए मुआवजा, तो इस तरह से सरकार की जो कोशिश है उसका लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंदों को मिले, सबको मिले, इसमें कहीं कोई कठिनाई आ रही हो उस पर साथियों से परामर्श करना और जनता दल यूनाइटेड के साथियों की भागीदारी भूमिका, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो योजना चल रही है जनता को उपलब्ध कराने में साथियों की भूमिका कैसे और सुनिश्चित हो, इन तमाम मुद्दों पर विमर्श करने के लिए यात्रा है।